नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए, जितने सारे दिग्गज प्राइवेट बैंक था उसका रिजल्ट आ चुके थे, मतलब उसके जो रिजल्ट आया था उसके ऊपर मैं अलग अलग करके वीडियो आपको बना के दिया। तो सिर्फ बाकी रह गए थे कोटक महिंद्रा बैंक। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो कोटक महिंद्रा बैंक किस तरीके से परफॉर्मेंस किया उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मैं देने वाला हूँ। और मेरा जितने सारे फेवरेट बैंक है, मतलब जितने सारे प्राइवेट फेवरेट्स बैंक है, उनमें से कोटक बैंक सबसे ज़्यादा फेवरेट है। HDFC बैंक के बाद मैं कोटक बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। हाँ, ICICI बैंक को भी बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तो तीनों बैंक के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस रखता हूँ। एक है HDFC बैंक, दूसरा है ICICI बैंक और तीसरा है कोटक बैंक। तो इस तीनों बैंक के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो आपको घबराने का कोई बात नहीं, जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको इस तीनों बैंक में मिलता रहेगी। तो चलो देख लेते हैं कोटक बैंक के परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ, उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं है, उसके सारे जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कोटक बैंक के रिजल्ट के ऊपर चले जाता हूँ, वहां से ये आपको सब सारे के सारे जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल पर बने रहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आ चुका हूँ। तो कोटक महिंद्रा बैंक एक दिग्गज प्राइवेट बैंक है, तो इसको ऊपर का रिजल्ट आज के दिन आ चुका है। यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट है वो करोड़ों में दिया गया है। तो फर्स्ट जो कॉलम है वो इस क्वार्टर का रिजल्ट, मतलब क्वार्टर थ्री का रिजल्ट मैं एक बार लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे क्वार्टर थ्री का रिजल्ट और यहाँ पे क्वार्टर टू का रिजल्ट और यहाँ पे क्वार्टर थ्री का, वो भी पिछले सालों का। तो तीनों रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी का देखिए जो अर्निंग है, कंपनी का जो इनकम है वो ज़्यादातर इंटरेस्ट से कमाए जाते हैं, साथ ही साथ कंपनी का इन्वेस्टमेंट से भी इनकम आते हैं, साथ ही साथ कंपनी का और भी कुछ अदर सेक्टर से भी इनकम आते हैं। तो सारे के सारे जोड़कर कंपनी का टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो 14,176 करोड़ का टोटल इनकम हुआ, जो पिछले सालों में कितना था, सॉरी पिछले क्वार्टर में कितना था, 15,300 करोड़, और पिछले सालों में कितना था, 14,600 करोड़। मतलब पिछले क्वार्टर में इनकम ज़्यादा हुआ था, इनकम मतलब रेवेन्यू ज़्यादा हुआ था, और पिछले सालों में देखा जाए कंपनी का रेवेन्यू और भी अच्छा खासा हुआ था। तो दोनों ही परफॉर्मेंस इस क्वार्टर के लिए एक नेगेटिविटी बात यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी अच्छा खासा रिजल्ट हुआ था और पिछले सालों में भी अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मतलब इनकम हुआ था। तो इनकम होने से कुछ फायदा नहीं होगा अगर कंपनी का एक्सपेंस ठीक ठाक नहीं हो रहा है, तो मतलब एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है तो कंपनी के ऊपर इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी एक्सपेंस किस तरीके से किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए फिगर कुछ चेंज हो गया, 9,800 करोड़, और पिछले क्वार्टर में कितना था, 10,900 करोड़, और पिछले सालों में कितना था, 10,700 करोड़। मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है यहाँ से यहाँ का अच्छा खासा जंप, और यहाँ से भी यहाँ का अच्छा खासा जंप देखने को मिला। मतलब कंपनी ने जबरदस्त यहाँ पे इनकम तो किया है, मतलब कंपनी का एक्सपेंस भी कम किया है, यही सबसे पॉजिटिविटी है इस कंपनी के। जो इनकम जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से एक्सपेंस भी करते हैं, ज़्यादा एक्सपेंस इस कंपनी में देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो अभी बारी मेन पॉइंट का, जो पॉइंट एक्चुअली प्रोविजन, प्रोविजन कंपनी के बैंकिंग सेक्टर में प्रोविजन आपको जरूर देखना है। तो प्रोविजन कुछ यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो डेटा बहुत पॉजिटिविटी है इस क्वार्टर में, क्योंकि देखिए पहले मैं पिछले क्वार्टर का दिखा देता हूँ, 434 करोड़, पिछले साल में था 510 करोड़। मतलब मार्केट से 500 करोड़ कंपनी नहीं उठा पाया, पिछले क्वार्टर में 400 करोड़ नहीं उठा पाया, और इस क्वार्टर में कंपनी ने 118 करोड़ नेगेटिव, मतलब यहाँ पे पैसा इतना ज्यादा उठाया कि कंपनी का प्रॉफिट हो गया। तो कंपनी ज्यादा पैसा पहले से ही उठा चुके हैं, तो यही सबसे बड़ा पॉजिटिव इस साल में, इस क्वार्टर में देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंस, टैक्सेस जो एक्सपेंस है उसको पे किया, टैक्सेस एक्सपेंस पे करने के बाद कंपनी के जो प्रॉफिट हुआ उसके बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं
कुछ फिगर चेंज हो गया, बहुत सारा चेंज हो गया। 3,300 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, 2,900 करोड़ और पिछले साल में था 2,500 करोड़। तो यहाँ से यहाँ का जंप कितना शानदार है और यहाँ से यहाँ का जंप भी कितना शानदार है। तो कंपनी सारे के सारे डेटा यहाँ पे पॉजिटिविटी है। हाँ, इनकम कम हुआ मानता हूँ, मगर कंपनी का रिजल्ट इतना शानदार हुआ जो इनकम को ब्रेक किया और सॉरी जो रेवेन्यू है उसको ब्रेक किया और इनकम को जबरदस्त बढ़ाया, कंपनी का मार्जिन को जबरदस्त ग्रोथ किया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस टैक्सेस को पे करने के बाद कंपनी का हाथ में जो प्रॉफिट आया 3,400 करोड़, पिछले क्वार्टर में कितना था 2,988 करोड़ और पिछले सालों में था 2,600 करोड़। मतलब यहाँ से यहाँ का परफॉर्मेंस बहुत बहुत शानदार हो चुके हैं। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत भरोसा करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले कंपनी जो रिजल्ट पिछले क्वार्टर में करते हैं तो उसको हमेशा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और ब्रेक भी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ चुके हैं, 70 रुपीज हो चुके हैं, जो पहले था 50 रुपीज और पिछले सालों में था 13 रुपीज। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद नेट एमपीए के बारे में बात करूँ तो नेट एमपीए आपको जरूर देखना चाहिए। नेट एमपीए है एक्चुअली नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसके बारे में आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे परसेंटेज में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो डेट एनपीए है वो देखिए यहाँ पे कम देखने को मिला, 0.87, पिछले क्वार्टर में था 1.97, 1.09 और पिछले सालों में था 0.53। मतलब यहाँ से यहाँ का परफॉर्मेंस जरूर आपको कम देखने को मिला है, मगर पिछले सालों में इसी टाइम में कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था, तो इसलिए मार्केट में थोड़ा सा तो नेगेटिविटी वहाँ पे देखने को मिलेगा ही। तो आपको सिर्फ कंपनी का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। तो पिछले क्वार्टर के तुलना से तो अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। जितना एनपीए जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा खासा माना जाता है। तो देखिए इसीलिए आज के दिन इतना अच्छा खासा रिजल्ट होने के लिए आज के दिन देखिए कंपनी ने करीबन करीबन 1% तक तेजी देखने को मिला था। उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो 2% तक तेजी देखने को मिला था और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग हुआ। इसका कारण आप सभी जानते हैं, मार्केट में भारी भर का गिरावट हुआ, क्योंकि 1 बजे के बाद मार्केट में 1 बजे के बाद 1 PM के बाद मार्केट में बहुत जबरदस्त गिरावट हुआ। पॉजिटिविटी से लेकर डायरेक्ट मार्केट नेगेटिविटी में चला गया, तो बैंक तो बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ थे। तो इसीलिए इस सेक्टर को भी, बैंकिंग सेक्टर है और प्राइवेट दिग्गज बैंक है, तो इसके ऊपर भी प्रेशर था, तो इसलिए रिकवरी किया। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे जो कलम आपको बार दिख रहा है, यहाँ पे जो ट्रेड दिख रहा है वो रिजल्ट आने के बाद ही आपको ट्रेड देखने को मिला। मैं आपको हमेशा एक चीज़ सिखा के आया हूँ, अगर रिजल्ट अच्छा खासा हुआ तो उसका ट्रेड देखना चाहिए और चार्ट पैटर्न में देखना चाहिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न अगर अप ट्रेंड में है तो आप समझ लेना कंपनी का रिजल्ट मार्केट जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया था उसी तरीके से रिजल्ट हुआ और फ्यूचर के लिए वो कंपनी आपको बहुत पॉजिटिविटी दे सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट सिर्फ नहीं कंपनी का परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत शानदार लगते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का हर रेवेन्यू हर साल में कितना ग्रोथ हो रहा है, हर साल में ग्रोथ जबरदस्त अपटेक जैसा ग्रोथ हो रहा है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, यहाँ पे भी ग्रोथ आप देख सकते हैं, 5,000, 6,000, 7, 8 और 9,900, मतलब हर साल में पॉजिटिविटी देखने को मिला है। और कंपनी के ईपीएस के बारे में बात करूँ, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ते जा रहे हैं, पहले 26 रुपीज था 2017 में, अभी 2021 में वो 50 रुपीज तक तो पहुंच चुके हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए, यहाँ पे भी एक एवरेज लेवल देखने को मिला है 11 रुपीज। और यहाँ पे कंपनी का एनआईएफ देख लीजिए, एनआईएफ भी कितना शानदार है, 4.14। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रोमोटर के पास 26% बोल सकते हैं आप होल्डिंग है, एफआईएस के पास करीबन करीबन 42% होल्डिंग है, डीआईएस के पास कितना होल्डिंग है आप देख लीजिए, 15% तक होल्डिंग डीआईएस के पास है, और पब्लिक के पास देखिए पब्लिक के पास 16% यहाँ पे होल्डिंग है, और आदर्श के पास देखिए कुछ भी होल्डिंग नहीं है। तो मैं सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ, सिर्फ इसका चार्ट पैटर्न एक बार आपको मैं दिखाऊंगा। मैं इसको पढ़ के 5 दिन का चार्ट पैटर्न रिपीट कर दूँ तो करीबन 3% तक रिटर्न आपको देखने को मिला, और 1 माह के चार्ट पैटर्न रिपीट कर दूँ, देखिए 1 माह में तो बहुत सारे बैंक और सेंसेक्स निफ्टी सारे के सारे गिरावट हुआ था, फिर भी देखिए यहाँ पे 1 माह में 7% तक रिटर्न इस कंपनी ने दिया।
6 मंथ के चार्ट पर ओपन कर दो तो 16% तक रिटर्न, और 1 साल के चार्ट पर ओपन कर दो तो 10% तक रिटर्न। मतलब 1 साल में उतना खास परफॉर्मेंस इस बैंक में नहीं देखने को मिला। अगर 5 साल के चार्ट पर ओपन कर दूँ तो 148% तक रिटर्न कंपनी दे चुके हैं, और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ देखिए कितना शानदार इस कंपनी का रैली, कितना शानदार। आपको 79,000 80,000 80K आपको रिटर्न मिला, इतना बड़ा रिटर्न आपको मिला है जिस कंपनी में, उस कंपनी के ऊपर तो आपको बने रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है, और आप लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोच रहे हैं तो जरूर लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ फायदा नहीं मिलेगा इस कंपनी में, आप खुद ही देख चुके हैं 1 साल में मात्र 10% तक रिटर्न दिया। तो आपको 5 साल 10 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको इस कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।